हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सोना सिंह, आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। आज मैं आप लोगों को फोर टक्स पट्टी वाला ब्लाउज सिलने को बताऊंगी। इसके लिए मैंने के कपड़े तैयार कर लिए हैं। पीछे का पार्ट एक रखी हूँ, उसको इस पे रख लूँगी, उससे माप लूँगी कि कितना है। इस तरह मेरा कपड़ा बराबर होगा। देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि वह पट्टी में जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। इसको चारों तरफ से ऐसे ही निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे जो है इस कपड़े को निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं सिलाई के लिए, जो जाएगा हमारा काज बटन के लिए। इसके बाद ये 5.5 पे मैं इसी गला की लंबाई लेती हूँ। चौड़ाई में 2.5 ले लूँगी। इसकी गुलाई कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं 9 पे ले रही हूँ। सीने की लंबाई यहाँ पे 10 है। यहाँ पे पट्टी की लंबाई 12.5 है। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ। यहाँ पे 4 ले रही हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। देखिए, मैं 1.5 इंच पे माप कर भी दिखा रही हूँ। अब इसको साइड से निशान लगा लेंगे, जितना मेरे कपड़े पकड़ कर सिलाई करना है। उसके लिए देखिए, इधर से भी चारों टक्स पे निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं 1 इंच पे इसका गुलाई कर रही हूँ। 1 इंच पे इसका तिरछा गुलाई कर देना है। इसकी फिटिंग में 8 ले रही हूँ। यहाँ पे 7.5 ले रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि कपड़े की सिलाई के लिए चाहिए। देख लीजिए, और यहाँ पे से अब कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, निशान लगाई हूँ, इसी से कटिंग कर रही हूँ। इधर उधर कुछ नहीं है। इसकी अब पट्टी को भी निकाल देंगे अलग। पट्टी को भी कट कर तैयार कर लेंगे। देखिए, काज बटन के लिए भी इसको। अब इसके कपड़े से माप ले लेंगे, उसी माप के कपड़े को भी काट लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे तो सिलाई के टाइम पे इधर उधर नहीं जाएगा। असर हम लोग बराबर कट किए हैं, इसलिए कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने इस दूसरे पार्ट पे निशान लगा रही हूँ, आप लोग भी ऐसे लगा लीजिएगा। इसे सिलाई करने में आसानी होगी। अब इसको मैं गले पे सिलाई चलाकर इस गले को पलट लूंगी। देखिए, मैं कैसे गले पे सिलाई चला रही हूँ। इसको कट कर लेंगे कि हमारा गला आसानी से बैठ जाए। देखिए,
दीजिए, देखिएगा कि इससे बहुत अच्छा कलर दिखेगा। इस पे ऊपर से एक सिलाई चला देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा और हमारा गला जो है एकदम बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। चारों तरफ सिलाई चला लेंगे कि कपड़ा सिलाई के वक्त इधर उधर ना जाए। देखिए अब एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा जो है सबको कट कर लेंगे। देखिए अब मैं इस टक्स पे सिलाई चलाना शुरू कर दी। अब मैं सबको ऐसे ही सिलाई चला लूँगी टक्स पे, जैसे जैसे निशान लगाई हूँ बिल्कुल उसी निशान पे लगाऊंगी सिलाई। देखिए हमारा ये ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। अब इसके नीचे के लिए हमें पार्ट तैयार करना है। देखिए मैं इसको माप ली, आपसे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर ली। देखिए ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, उसके बाद इस पर सिलाई चलाएंगे बराबर बराबर। देखिए अभी भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैं कट कर ली। अब ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। देखिए पीछे के पार्ट से मैं माप ले रही हूँ। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास तो इसको मैं कट कर लूँगी। देखिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है एक्स्ट्रा तो इसको मैं कट कर लूँगी ताकि आगे का पीछे का पल्ला बराबर हो। और देखिए मैं अब इसको नीचे का सिलाई चलाना है तो नीचे की सिलाई के लिए मैं कैसे गुलाई कर रही हूँ। गुलाई कर लेने के बाद इसको ऐसे पलट के इस पर सिलाई चला लेंगे, बराबर सिलाई चलाएंगे बराबर कपड़े पकड़ कर, नहीं तो तिरछा हो जाएगा। देखिए ऐसे खींच कर इसको पलट लेंगे। इसको पलट के देखिए हमारा कैसा कितना अच्छा इसका खोरिया बना है। इसकी पट्टी के लिए मैंने कपड़े काट लिए हैं। देखिए ये अस्तर काटी हूँ, इसके माप का कपड़ा भी काट लूंगी। देखिए एक तरफ सिलाई चला लेंगे क्योंकि हमें काज है काज इसी में बनाना है, सुई धागे के सहारे नहीं बनाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको मैं कट कर ली। आप देखिए इस पर उल्टे की तरफ पकड़ कर सिलाई कर लेंगे। देखिए कैसे उल्टे की तरफ पकड़ी हूँ। देखिए अब इसको सीधे की तरफ पलट लेंगे और पलट कर इस पर अब सिलाई चलाएंगे। इसमें अब काज भी बनाना है तो ध्यान दीजिएगा काज भी कैसे बनेगा। देखिए ऐसे तिरछा कर लेंगे इस पर ऐसे फिर मोड़ कर फिर इसे तिरछा करेंगे। ऐसे काज बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा काज बन जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग टिकआउट कर लेंगे। मैं माप ले ली और सबको बराबर बराबर टिकआउट कर ली। देखिए जैसे निशान लगाई हूँ उसी पे काज बना रही हूँ। देखिए ऐसे ही बाकी सब काज बना लेंगे। देखिए कपड़ा जो मेरा एक्स्ट्रा था उसको कट कर कर बाकी जो था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ ताकि मेरा कपड़ा बाहर से ना खुले।
देखिए कितना अच्छा काज तैयार हो गया है। देखिए एक पार्ट तैयार हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। इसका भी देखिए मैंने दूसरा पार्ट तैयार कर रखा है, इसकी पट्टी भी तैयार कर रही हूँ। देखिए इस पट्टी को सीधे की तरफ सिलाई चला रही हूँ। इसको ऐसे पलट देंगे क्योंकि नीचे से सिलाई हो चुका है तो कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखिए सिलाई करने तो इसको पलटने में आसानी होता है। इसे फोल्ड कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा से फोल्ड हो जाता है। देखिए इसको फोल्ड कर उसके बाद इस पर भी एक सिलाई चला लेंगे, एकदम बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे सब। देखिए मैंने सिलाई चला लिया है, देखिए मेरा दोनों पार्ट तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत टक्स पट्टी वाला ब्लाउज जो है, देखिए कितना अच्छा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।